हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप HDFC के ATM मशीन से आप पैसे निकाल सकते हैं, यानी कि HDFC का ATM कार्ड और HDFC के ATM मशीन से आप पैसे कैसे विड्रॉ करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा अंत तक बिना स्किप किए देखते रहिए। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी HDFC ATM मशीन में जाना है एंड यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आप यहाँ पर सबसे पहले अपना कार्ड इंसर्ट कीजिए। जैसे ही आप कार्ड इंसर्ट करते हैं, आपको थोड़ी देर वेट करना है एंड यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप डायरेक्टली 500, 1000 या 10000 अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई और अमाउंट विड्रॉ करना है तो इसके लिए आपको अदर ट्रांजेक्शन्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मेन मेन्यू सेलेक्ट करना है। चलिए मैं मेन मेन्यू सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आया है विड्रॉ कैश का, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, सेविंग अकाउंट किया मैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना अमाउंट इंटर करना है, आपको जितना भी अमाउंट निकालना है विड्रॉ करना है। इसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना ATM पिन डालना है। ये पिन आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है ATM पिन डालने के बाद। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज़ कलेक्ट योर कार्ड बोल रहा है एंड वेट फॉर कैश। तो कार्ड हमने निकाल लिया एंड कैश के लिए थोड़ा वेट किए और कैश भी हमारा निकल गया है। अब हम यहाँ से अब इस स्क्रीन को एग्ज़िट करेंगे क्योंकि हमारा कैश भी निकल गया और कार्ड भी हम लोग ले लिए हैं। तो अब यहाँ से हम लोग एग्ज़िट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कम्प्लीट हो गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए। वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।